एक फेज ये पूरा हो जाएगा। आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में 220 बूथ, ये जो 232 बूथ यहाँ के हैं, लगभग 4,500 पन्ना प्रमुख, सबको नाम के साथ हरेक का बूथ नंबर, हरेक का पन्ना नंबर ये लिख करके सबको दिया हुआ है। उनके पास अपना चार्ट है कि दोनों जो पन्ने का एक साइड ये एक साइड वो, दो पेज है उस पर लगभग 60-15 ऐसे सबको संपर्क करने का काम इनको दिया जाता है ताकि चुनाव दोनों चुनाव केंद्र नेटवर्क नीचे तक अगर कांग्रेस के मुकाबले में देखते तो हम बहुत आगे हैं। कांग्रेस अब किसी मंडी में मान लो अगर कोई ज्यादा प्रेशर आ गया है उसको 2-4 घंटे इंतजार करना पड़ा, इसका अर्थ नहीं कि अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मंडी का एक जो परिसर होता है उसमें व्यवस्थाएं ठीक चले। और दूसरा, पिछले दिनों में वर्षा अधिक होने के कारण से कहीं कहीं धान में मॉइस्चर भी रहा है, तो उस मॉइस्चर को सुखाने के लिए अंदर हमको जगह चाहिए, इसलिए स्मूथ चलता है। 60 लाख मीट्रिक टन धान आवक होगी, उसकी खरीद होगी और सब व्यवस्थाएं हमारी कंप्लीट हैं। हमने इसको 1 अक्टूबर की बजाय 6 दिन पहले करके 25 सितंबर इसकी जो प्रोक्योरमेंट है शुरू कर दी। ऐसा विषय है, लगातार कहीं ना कहीं शिकायत भी रहेगी, लगातार काम भी होंगे, तो इन तीनों चीज़ों पर हमारा पूरा ध्यान है। बिजली हमने पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गांव में 24 घंटे देनी शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड यानी जो 4 कंपनीज हैं चारों प्रॉफिट में आ गई हैं, जो कांग्रेस के टाइम के वो 32,000 करोड़ रुपये के घाटे में थी, हमने उसका टैरिफ भी बढ़ाया। इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था, पानी हमारे यहाँ कम होने के बावजूद भी उसका प्रबंधन ऐसा किया है कि पानी की कहीं कोई शिकायत नहीं आने देते, बल्कि अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर घर नल से जल, इसकी व्यवस्था हमने केंद्र के टारगेट से भी पहले हमने पूरी कर ली है, इसलिए पानी की ना सिंचाई की ना पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस ये लगातार चलेगा, इसमें कुछ जरूरतें समय से आती है उसको पूरा करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, तो खुले तौर पर जनरेटर चलते थे, लोग अपना काम चला लेते थे, लेकिन पर्यावरण दूषण के कारण से ये जनरेटर के ऊपर सख्ती की गई है, एनजीटी ने सख्ती की है। अब धीरे धीरे उसके लिए फेज दिया था, समय दिया था कि इनको फेज जनरेटर्स को, और उसके लिए बिजली पूरी दी जाए, या उनमें एक स्पेशल टाइप का जो जनरेटर का सिस्टम था उसको बताया गया, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिन सख्ती एरिया में कमी है उसको पूरा करने में ठीक है। सर पर्टिकुलर सीटें जीतना और मोदी जी की झोली में डालना, ये हमारा उसको पूरा करेंगे। सिंबॉलिक कार्यक्रम होते हैं जो जनता के बीच में किए जाते हैं, हमारे घर की जैसी सफाई होती है, हमारे
यह है कि जो आज से 10 साल 15 साल पहले था आज अवेयरनेस आई है, जगह जगह हमने जगह जगह उसके डिस्पोजल का भी सारा किया है, घरों से भी कूड़ा उठता है, तो यह बहुत लंबी है। अब हर व्यक्ति अगर जब खाता भी है तो कूड़ा भी पैदा करता है, हर काम उसके पीछे कोई ना कोई उसका रैपेज नुकसान कूड़ा होता है, प्राकृतिक तौर से भी होता है, तो बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है, वो लेते हैं और काफी उसमें सुधार हो गए हैं। इस नाते से सब हो गए साढ़े 4,000 लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। आपने देखा है कितना अच्छा था, अगर मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत सही झुक गए होंगे तो ऊर्जा आपको ही मिली होगी। तो मैंने प्रत्यक्ष आपको बता दिया, ये इतनी गुटबाजी है उनकी कि प्रदेश के बाद जिले की इकाई इकाई तो छोड़ो अध्यक्ष तय करने में कठिनाई आ रही है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे ताकि दो ऊपर के अध्यक्षों को एडजस्ट किया जा सके, ये उनकी समस्या है। उस समस्या पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी वो बहुत आगे है इन सारे मामलों में। बहुत पहले का विचार है, वो लगातार दे रहे हैं, सारा विषय केवल इस लेवल पर केंद्र सरकार तय होगा, क्या होगा देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।